नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों और प्रस्तावों के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। आप सबको पता है बच्चों कि जनवरी 1986 में राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजीव गांधी जिन्हें कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहा जाता है, राजीव गांधी जो थे उन्होंने जनवरी 1986 में घोषणा की कि भारत के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति घोषित की जाएगी। तो जनवरी 1986 में राजीव गांधी के द्वारा नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। अब बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या थे, क्या सोच करके राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास पहुंचाया, तो क्या था कारण। पहला है बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी बच्चों विज्ञान व गणित की शिक्षा पर जोर दिया गया है, और इसी के साथ 1986 में भी कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में पैदा करना है, अनुसंधान की तरफ बच्चों को का दृष्टिकोण पैदा करना है। इसके अलावा स्कूली स्तर पर ही विज्ञान की शिक्षा बच्चे को देनी है ताकि उसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का गुणवत्तापूर्ण होना भी जरूरी है, तभी वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो सकता है। चारित्रिक व आध्यात्मिक मूल्यों, ये नहीं है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का ही बच्चे में विकास हो, बच्चे में चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों को विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ उसके चरित्र का विकास करे, उसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास करे। ऐसी शिक्षा बच्चे को आध्यात्मिक गुण जैसे परोपकार की भावना है, दूसरों के प्रति दया की भावना है, ईश्वर में आस्था की भावना है, ये सब चारित्रिक, बड़ों का आदर करना है, अतिथि देवो भव है, इन आध्यात्मिक मूल्यों का भी बच्चे में विकास होना चाहिए। ये कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो पहला पॉइंट ये है। नेक्स्ट आता है काम निष्ठा, धर्म निरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को कर्मशील बताए, कर्मशील बनाए, रोजगारोन्मुख बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। इसके अलावा धर्म निरपेक्षता, आप सब जानते हैं एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो सभी बच्चे जाति भेद रंग लिंग किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों में नहीं होता है। तो बच्चे अगर एक साथ विभिन्न जाति लिंग के जो बच्चे होंगे अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें धर्म निरपेक्षता का भाव पैदा हो जाएगा, सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था होगी, वो किसी भी धर्म का अनादर नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि स्कूलों में बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चा धर्म निरपेक्ष बने, धर्म के प्रति आस्था रखे, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए किसी दूसरे धर्म के प्रति अनादर का भाव ना रखे। उसके बाद आता है बच्चों सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब वही है बच्चों कि जाति लिंग के आधार पर समाज में बच्चा अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे, समाज का हिस्सा बच्चा अपने आप को समझे, ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। इनके प्रति वचनबद्धता, बच्चा कर्मशील बने, बच्चे में धर्म निरपेक्षता की भावना पैदा हो, बच्चा सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद आता है बच्चों शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश में एकता की भावना पैदा करे, अखंडता की भावना पैदा करे
और अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा दे। हमारा कल्चर है बच्चों वसुधैव कुटुंबकम की भावना। हर बच्चा इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय समाज के बारे में विचार पैदा हो, देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखे। और इसी के लिए हमारे देश में जो व्यवस्था की गई बच्चों वो है 10+2+3 की। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ही कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया, क्योंकि भाषा की समस्या ने समस्त देश को विभाजित कर रखा था। इसीलिए कहा गया कि हर बच्चे को इस प्रकार शिक्षा दी जाए ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता में बढ़ावा मिल सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसी बात को दोहराया गया। उसके बाद आता है बच्चों शारीरिक बौद्धिक सौंदर्यात्मक विकास करना। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, बच्चे का बौद्धिक विकास हो और बच्चे का रचनात्मक विकास हो, अलग अलग कार्यों में उसके कौशल का विकास हो। ऐसी शिक्षा बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मानना था। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना। आप सब जानते हैं बच्चों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, समाज में जाति भेद को कम करती हो, समाज में एकता को बढ़ावा देती हो, अखंडता को बढ़ावा देती हो, सामाजिक हिस्सा व्यक्ति अपने आप को समझे, बच्चा सामंजस्य की भावना रखे, परोपकार की भावना रखे या समाज में परिवर्तन करने की सोचे, रूढ़िवादिता और जो हमारी परंपरागत अंधविश्वास है उनसे दूर होकर के बच्चा आगे की ओर प्रगतिशील मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो, ऐसी शिक्षा बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा कहना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उसके बाद आता है बच्चों सामाजिक हो गया परिस्थितियों की विषमता को बदलने का आत्मविश्वास। देखो बच्चों 1986 की नीति जो थी उसने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चे को समस्या दी जानी चाहिए, बच्चे को परिस्थिति दी जानी चाहिए और बच्चे को खुद उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, अभी प्रेरणा देनी चाहिए, मनोबल देना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले समय में उसमें आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सके और वो हर परिस्थिति का मुकाबला कर सके। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा मानना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। फिर आता है सामाजिक तकनीकी सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। हमारा सामाजिक वातावरण कैसा है उसकी शिक्षा बच्चे को देना। हमारा तकनीकी परिवेश वैज्ञानिक अनुसंधान कौन कौन से हुए हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, सारी चीजें बच्चे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सांस्कृतिक हमारा आसपास का रहन सहन, खान पान, आचार विचार, हमारे त्यौहार, ये पर्व, इन सब के बारे में बच्चे में जागरूकता पैदा करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ध्येय है। उसके बाद आता है व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति को बढ़ाना, लोगों में आय की विषमता को कम करना, लोगों के रहन सहन को अच्छा करना, शिक्षा के द्वारा हर बच्चे को शिक्षित करना, निरक्षरता का उन्मूलन करना, गरीबी का उन्मूलन करना। सामाजिक जागरूकता लोगों में पैदा होगी तो परंपरागत जो रूढ़ियाँ हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। तो ये सारे परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से किए जा सकते हैं, ऐसा मानना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। फिर आता है विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा के रूप में परिवर्तन करना। मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा, सॉरी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य था कि हर प्रकार के बच्चे को, हर वर्ग के बच्चे को, हर जाति के वर्ग को, हर प्रकार
प्रकार की नस्ल के बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम और एक ही प्रकार के शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, ऐसी शिक्षा बच्चों में होनी चाहिए, ऐसा जन जागरण बच्चों में पैदा होना चाहिए कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में क्वालिटी है। इस योग्यता को ध्यान में रखते हुए टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो ही हमारी शिक्षा सार्थक हो सकती है, ऐसा मानना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा, वैज्ञानिक मनोगति के साथ साथ चारित्रिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, दूसरा काम निष्ठा, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, तीसरा देश की एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना, चौथा शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक विकास करना, पांचवा सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना, परिस्थितियों की विषमता को बदलने का आत्मविश्वास बच्चे में पैदा करना, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना, व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना, विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा के रूप में परिवर्तन करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ध्येय है, उद्देश्य है। अब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कौन कौन से प्रस्ताव रखे, वो एक बार शॉर्ट नोट्स के रूप में हम देख लेते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बच्चों। देखो क्या कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बच्चों मैन दे इसका ये था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मैन मोटिव था बच्चों प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना, क्या करना, सार्वभौमीकरण करना, हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य ध्येय था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसी प्राथमिक शिक्षा के लिए ये कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो पहला प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रखा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसी प्रस्ताव को आपके RTE अधिनियम 2009 में स्वीकार किया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई और इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 6 से और इसी 6 से 14 साल तक की बात जो है हमारा संविधान भी कह देता है बच्चों, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और शिक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। इसी बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहले ही दोहरा दिया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद आता है ये जो 6 से 14 साल तक की है इसके लिए इन्होंने सन भी डिसाइड की कि 1990 तक 11 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले और 1995 तक टाइमलाइन डिसाइड कर दी कि 15 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। ये बात जो है आपके 1986 के प्रस्ताव में शामिल थी। नेक्स्ट बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ये बात पहली बार आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कही, शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित होनी चाहिए, हर शिक्षण सामग्री को, हर उपकरण को, हर चिकित्सक के परामर्श को एक ही चीज को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र पर केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, छात्र पर पूरा फोकस रखकर ही पाठ्यक्रम डिसाइड होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाना चाहिए। बच्चे को खेल खेल में सिखाना, बच्चे से ड्राइंग करवाना, बच्चे से खेल करवाना, बच्चे से ड्राइंग करवाना, बच्चे से क्राफ्ट आइटम बनवाना, तो उससे क्या होगा, ये शिक्षा के
टीचर जो होगा वो हेल्पर होगा, फैसिलिटेटर होगा, सहायक करता होगा। आज की जो प्रगतिशील शिक्षा है जिसको जॉन डीवी ने भी स्वीकार किया था बच्चों, वो यही थी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और प्रगतिशील जो शिक्षा दी वो आपके जॉन डीवी साहब ने कही, और जॉन डीवी साहब ने यही बात कही थी कि शिक्षा जो है बच्चों वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। और आज जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है बच्चों वो बाल केंद्रित है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव में भी कहा गया कि शिक्षा जो बालकों को दी जाए वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों हमारे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में एक कार्यक्रम चालू किया गया। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बच्चों, गुणवत्ता तभी होगी जब विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध होंगे, गुणवत्ता तभी होगी जब बच्चे को अध्ययन सामग्री मिलेगी, गुणवत्ता तभी होगी जब शिक्षक को पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध की जाएगी, पुस्तकीय अभाव नहीं होगा तब ही शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। तो प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 में आरंभ किया गया। और इसका मेन ध्येय यही था कि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, और इसके लिए कम से कम एक विद्यालय में 2 अध्यापकों का होना आवश्यक है। हर विद्यालय में अध्ययन सामग्री, बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक को पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री, उपकरण, तकनीकी प्रविधियों आदि सभी सुविधाएं जो है प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा मानना था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी शामिल किया गया था, और उसके प्रस्ताव में शामिल होने के कारण ही 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया था बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आता है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। आप सब जानते हो 1986 की जब शिक्षा नीति आई बच्चों, हमारे देश की निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, साक्षरता कम थी, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके शिक्षित कैसे किया जाए, जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा पा रहे थे, जिनका नामांकन हो रहा था लेकिन ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, जो बच्चे आजीविका चला रहे थे अपने परिवार की, जो कमा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे स्कूल टाइमिंग में, तो उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल किया गया कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाया जाए, उनको गर्मियों में छुट्टियों में उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए, स्कूल टाइमिंग से पहले और स्कूल टाइमिंग के बाद सायंकालीन कक्षाएं उनके लिए लगाई जाए, ये कहना था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद आता है बच्चों 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होंगे, फैमिली डे केयर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, हमारे देश में 1986 की नीति ने ही ये बात कही थी क्या कि 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी, फैमिली डे केयर और पूर्व प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। और आज बच्चों हमारा जो एक अभियान आया है, समग्र शिक्षा अभियान 2018 में 24 अप्रैल 2018 में जो आया है उसमें बच्चों पूर्व प्राथमिक क्लास को भी शामिल किया गया है कि पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे वो सारे समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाए जाएंगे। आपके सर्व शिक्षा अभियान में SSA, जो समग्र शिक्षा अभियान से पहले जो SSA था, उस SSA में किसको शामिल किया गया था, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को फिर भी वरीयता नहीं दी गई, लेकिन 1986 की राष्ट्रीय नीति ने पहले ही ये बात कह दी थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में
छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से, अन्य कई प्रकार के साधनों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए और वहां पर आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाएगी। और आजकल तो बच्चों समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, स्कूलों में ही एक आंगनवाड़ी जो कमरा है वहां पर तैयार करवाया जा रहा है। हर सरकारी स्कूल में अब आंगनवाड़ी केंद्र होंगे ताकि हर बच्चा एक ही स्कूल में उस वातावरण के अनुसार ढल सके। पहले आंगनवाड़ी केंद्र अलग होते थे लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में इस बात को शामिल किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी स्कूल में ही स्थापित करवाया जाए। तो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसने इस बात को कह दिया कि आंगनवाड़ी, फैमिली डे केयर और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए। और आप सबको पता भी होगा 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इस बात को संविधान में भी शामिल किया गया है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। अब बात आती है बच्चों, इसमें कहा गया कि सन 2000 तक 70% बच्चों की शिक्षा और देखभाल की सुविधा, शिक्षा व देखभाल की सुविधा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जिम्मे होगी कि 2000 तक 70% ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शिक्षा और देखभाल की सुविधा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य और केंद्र सरकारें करेगी। अब बच्चों, अब ये कहा गया कि 90% जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ये बात कह दी गई थी बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसी के लिए हमारा जो SSA की नीतियों के तहत ही चलाया गया था बच्चों सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी था कि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय माने जाएंगे, 2003 तक 100% नामांकन किया जाएगा और 2005 तक ठहराव की सुनिश्चितता की जाएगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा अभियान आया आपका 2009 में, रमसा आया और रमसा ने कहा कि माध्यमिक स्तर को 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा और 7 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम चलता रहा लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ये बात कह दी कि 90% ग्रामीण इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। और इसी नीति को क्रियान्वित करने के लिए हमारे देश में 2000 में एक अभियान आया जिसका नाम था बच्चों सर्व शिक्षा अभियान। अब बात आती है 10+2+3, ये नीति दे दी थी बच्चों कोठारी आयोग ने। ये सुझाव दिया था कि हमारे देश में सामान्य शिक्षा प्रणाली का निर्माण होना चाहिए लेकिन बच्चों ये पूर्ण तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात को कहा गया कि इसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा, सामान्य शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका 150 जो यूनिवर्सिटी थी, 500 जो महाविद्यालय थे उनके सुदृढ़ीकरण के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे, वहां पर उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों को लगाया जाएगा, वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, वहां पर पुस्तक कक्ष की स्थापना की जाएगी, वहां पर लाइब्रेरीज बनाई जाएगी, वहां पर अच्छी प्रकार के संसाधन जुटाए जाएंगे। ये कहा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अब बात आती है उच्च शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बच्चे दूरस्थ जो इलाके के, दुर्गम इलाके के जो बच्चे थे बच्चों वो पढ़ नहीं पा रहे थे तो उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए, ऐसा कहा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये भी कहा कि विद्यालयों में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।
मानचित्र है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, मानचित्र है, ग्लोब है, इन सब माध्यमों से शिक्षा दी, चित्र है, पारदर्शक है, नमूना है, मॉडल है, इन सब माध्यमों से शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्युतीय शैक्षिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्लास में नहीं सुनाई दे रहा है तो माइक का यूज करवाया जाना चाहिए। अगर ज्यादा बच्चे हैं क्लास में सुन नहीं पा रहे हैं तो ये सारी सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा कहा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 90% लक्ष्यों को हासिल करने वाला था आपका सर्व शिक्षा अभियान। जो जो प्रस्ताव शिक्षा नीति 1986 में रखे, सर्व शिक्षा अभियान ने उनका क्रियान्वयन किया। उसके बाद आता है बच्चों इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का सुदृढ़ीकरण किया जाए, जिसकी स्थापना 1985 में हो गई थी। बच्चों गांव में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाए, जहां पर आपकी वर्धा योजना जो महात्मा गांधी लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा था कि गांव में ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जानी चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके, ग्रामीण बच्चों को रोजगार मिल सके, उनमें हस्त कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उन विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को उसी गांव में रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय होने चाहिए, इनको अनुदान दिए जाने चाहिए, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए संसाधन जुटाए जाने चाहिए। ये कहा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए, बड़े बड़े व्याख्यान कक्ष या सेमिनार कक्ष में जो विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनकी बैठक बुलाई जानी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। समय समय पर शिक्षकों को निर्देश दिए जाने चाहिए। ये सब बात कही आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद आता है बच्चों व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण में कहा गया कि 1990 तक माध्यमिक स्तर पर 10% और आपका 1985 तक 95 तक 25% व्यावसायिक जो प्रशिक्षण जो है वो बच्चों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर से ही बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके अलावा बच्चों शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई प्रस्ताव रखे, उन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के अवसरों में समानता करने के लिए हर वर्ग का बच्चा एक ही जगह पढ़े इसके लिए कौन कौन से प्रस्ताव रखे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए बीएड ये बनाती रहूं वीडियो, तो आप बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं या बाकी जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, आप बोर्ड पर लिखाए हुए शॉर्ट नोट्स को लिखते जाइए, अपनी एक कॉपी बनाइए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो और ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा पूरा वीडियो ध्यान से सुने, देखे और कॉपी में नोट डाउन करिए। धन्यवाद।